नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज सागर जिले के राहतगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सागर जिले में लगातार कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, जिसकी वजह से गरीब परिवार परेशान हैं। युवा समाज सेवी वसीम खान एवं उनकी पूरी टीम ने मिलकर जरूरतमंदों एवं गरीब परिवारों के घर घर जाकर राशन किट वितरित की। वसीम खान ने इस मौके पर कहा, आप सभी से निवेदन है कि गरीब एवं जरूरतमंदों की मदद करें, इस वक्त दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। इस मौके पर राणा खान, कासिम कुरैशी, अजरुद्दीन खान, असीद मंसूरी, इमरान कुरैशी, सनी भाई जान, हैदर पठान, शोएब मंसूरी, अकरम उस्मानी, सोहेल मंसूरी, सफीक मंसूरी, तैयब उस्मानी एवं सभी युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सागर राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। आज मेरे और मेरी पूरी टीम के द्वारा राहतगढ़ नगर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लगातार लॉकडाउन लगा हुआ है। हम लोगों के इधर 80% लोग रोज कमाने खाने वाले मजदूर हैं, इसलिए हम लोग सब मिलकर आज राशन किट घर घर जाकर, जो विधवा महिलाएं हैं जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं है, उन सबको हम लोग वितरित कर रहे हैं। और एक इधर के लोकल के नेताओं को मैसेज देना चाहता हूँ, चूहों की तरह घर में मत रहो, घर से बाहर निकलो, गरीबों की मदद करो, मैदान में आए सभी लोग। यही वक्त है आप लोग के पास, भगवान ने ऊपर वाले ने जितना पैसा दिया है उसका इस्तेमाल करें अपने अपने हिसाब से। अपने जो बगल वाले हैं गरीब परिवार या आपके नगर में जो परेशान हैं लोग, उनकी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।